YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जो कि काफी ज्यादा क्रेश हो चुका है, तो इस क्रेश में क्या एक अपॉर्चुनिटी है या स्टॉक जो है अभी और ज्यादा गिरावट दिखाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या इस गिरावट में आपको ये शेयर बाय करनी चाहिए तो क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, किसके लिए आप बाय करेंगे, कितना परसेंट रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकता है, इन सारी चीजों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो जिस स्टॉक की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे वो है Naukri.com। तो देखिए काफी बेहतरीन शेयर है, फंडामेंटली काफी सॉलिड शेयर है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो स्टॉक जो है पूरी तरह से क्रैश हो चुका है और यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। देखिये ये ट्रेंड लाइन है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें कोई भी तेजी की संभावना यहाँ पर नहीं आ सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर इसमें तेजी आ सकती है। फिलहाल यहाँ पर बात करें अगर ये स्टॉक्स यहाँ से ब्रेकआउट लेता है, अगर कोई गिरावट में बाय करता है तो देखिए यहाँ पर लगभग यहाँ से आपको 55% का रिटर्न मिल सकता है अगर कोई यहाँ पर गिरावट में बाय करता है। लेकिन गिरावट में बाय करना अभी थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि मार्केट में भी करेक्शन आना बाकी है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। अगर मार्केट में मतलब निफ्टी जो हमारा वो 1000 पॉइंट्स वहां से करेक्ट हो जाए अपने हायर लेवल से तो निश्चित रूप से इस स्टॉक में भी काफी बड़ी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। अगर हम सपोर्ट रीजन की बात करें तो स्टॉक का जो सपोर्ट रीजन है वो है 4000 से 4250, ये बीच का रीजन है, सपोर्ट रीजन है। यहाँ पर स्टॉक हो सकता है सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर सकता है और ये ट्रेंड लाइन है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हम इस स्टॉक्स में बुलिश नहीं हो सकते हैं। तो हमें इस स्टॉक पे तभी बुलिश होना है जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद सस्टेन कर जाए। देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना नहीं, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इस ट्रेंड लाइन के जो है बाहर ये ट्रेड करना शुरू करे तब फिर हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 4000 के नीचे। फिलहाल तो ये देखना है, स्टॉक फिर से यहाँ पर आज काफी ज्यादा गिरावट दिखाया है, ये गिरावट कहाँ रुकती है। अगर ये सपोर्ट रीजन को ब्रेक कर देता है जो कि 4000, तो फिर स्टॉक्स में एक और बड़ी गिरावट आ सकती है क्योंकि इसका जो सपोर्ट रीजन है तब काफी नीचे आ जाता है जो कि है 3750 का। तो यहाँ पर जो 4000 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर काफी नीचे इसका सपोर्ट रीजन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको जस्ट अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, स्टॉक्स किस तरह से अपना पैटर्न बनाता है, उस पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ पर जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए, स्टॉक्स किस तरह का पैटर्न बनाता है। पैटर्न बनाने के बाद उसको अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर इसमें एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल जो पैटर्न बना है इसका ये ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, काफी बेहतरीन तेजी यहाँ से देखने मिलेगा। अगर हम गिरावट की बात करें तो स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से देखिए कितना करेक्ट हो चुका है, अभी जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 38% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ऐसे सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स इतने ज्यादा करेक्शन में मिल रहे हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप हर गिरावट में बाय कर सकते हैं। किस गिरावट में बाय करना है, कब बाय करना है ये आपको मैं बता देता हूँ, जब मार्केट में करेक्शन हो। देखिए जब निफ्टी करेक्ट हो, क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी करेक्ट है, जब निफ्टी यहाँ पर करेक्शन दिखाएगा तो ये स्टॉक्स और ज्यादा करेक्ट होगा, मतलब इस स्टॉक में और ज्यादा गिरावट होगी, तो उसी गिरावट में आपको अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लेके आते रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।